कुछ मेरी तारीफ में कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच हिमांशी। और कुछ? हिमांशी लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। और अगर आपको हमारी फोटोज दिखनी है तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, करते हैं। इसकी वजह से आप इसको अनसब्सक्राइब मत करना। भैया हाय तो कर दो। छोटू भैया, हिमांशी ये देखो नी। चैनल होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियो देखते हो तो थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज है सैटरडे मॉर्निंग और मैं उठ गई हूँ जल्दी। वैसे तो मैंने सात को सोचा था कि मैं जल्दी नहीं उठूंगी, रोज जल्दी उठती हूँ, आज छुट्टी है आराम से उठूंगी, पर अपने आप ही आंख जल्दी खुल गई तो मैंने कहा चलो अब उठ गए तो कुछ कर लेते हैं। तो अभी मैं उठी हूँ, जस्ट फ्रेशन अप हुई हूँ और मैंने गर्म पानी पिया और अभी थोड़ी सी एनर्जी मेरी लो लग रही होगी, पर कोई नहीं, एक बार मैं नहा धो लूँ, ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत धूप हो रही है और हम इतनी धूप में तैयार होके आए हैं मेकअप करके और हम फोटो शूट कराने जा रहे हैं, पर हम अंदर से और हमें अंदर से इतनी भूख भी लग रही है, पर हम भूख का ध्यान ना देते हुए वीकेंड फोटो पे ध्यान दे। मेरा भी तू नहीं कुछ अच्छा, मुस्कान तू भी आ जा, तू पीछे रह गई। हाय गाइस, और कुछ मेरा मेकअप हिमांशी शेट्टी ने किया, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरी तारीफ में कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच हिमांशी। और कुछ? हिमांशी लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। और अगर आपको हमारी फोटोज दिखनी है तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरे को मत करना, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और अभी हम मुंह छुपा रहे हैं गाइस, देखो यार हमारी ना ऐसी वाली हरकतों को मतलब वो करके ना हमें जज मत किया करो, क्या करें। और हमारी एक दोस्त प्रियंका वो जज मत कर। गाइज ये हिमांशी जा रही है आगे आगे और इसने पूरा अब प्रोटेक्ट कर रखा है मेरी चुन्नी से खुद को, क्योंकि इसको काला नहीं होना है, जो कि अभी ये बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो इसकी ये हरकतें, इसकी वजह से आप इसको अनसब्सक्राइब मत करना। वीकेंड है और हम लोग तो हमने बहुत मेहनत करी है फोटो के लिए, सजने धजने में और आज अगर हमें छुट्टी मिले तो एंजॉय ना करें क्या? खुश हूँ मैं आज बहुत। ऑब्वियसली हिमांशी यू शुड एंजॉय योर वीकेंड। भूख इतनी ज्यादा लग रही है ना, मेरे को इतनी तेज भूख लग रही है। हम तीनों को तैयार होने में कम से कम लग गया है 2-2.5 घंटा, ठीक है 2-2.5 घंटा नहीं लगा, 2-2.5 घंटा। और भूख इतनी तेज लग रही है क्योंकि मैंने सुबह भी ना खुद से ही बना के खा लिया था, उसके बाद मैं असाइनमेंट बनाने लग गई थी और नहाए भी मैं बहुत लेट हूँ और ये सब करते करते टाइम चला गया हमारा ऐसे कि हमें पता भी नहीं चला। और अभी मुझे टैन ना हो जाए इसलिए मैंने अपने आप को ढका हुआ है। वैसे तो मैंने सनस्क्रीन भी लगाया पर क्या पता मैं टैन हो जाऊँ, तो वो सब तो बात की बात है। अभी हम जा रहे हैं जूस कॉर्नर खाना खाने नहीं, मतलब ऐसे ही कुछ देखते खाए कहेंगे, क्योंकि नेहा का फास्ट है तो वो बेचारी थक गई है, उसको जूस पिलाने ले जा रहे हैं हम, ठीक है ना नेहा? ठीक है, तो अभी हम खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। तो गाइस प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। छोटू भैया कैमरा सेट कर, छोटू भैया कैमरा सेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ चोरियां बहुत हो चुकी हैं जूस।
एक केसर बादाम वाले भैया और यहाँ पे सब आना जूस पीना, जिन्होंने केसर बादाम में हेरा फेरी कर दी थी, मैंगो गलती से हेरा फेरी हो गई थी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, केसर बादाम में 5 चम्मच चेरी डाली, QR कोड दिखा दे, डायरेक्ट होम डिलीवरी भी करते हैं, पे करो। आने इनका नया कैमरा लगा है, अरे छोटू भैया, ये छोटू भैया है हमारे, मेन्यू भी दिखा, हाँ यहाँ पे सब मिलता है, ये हमारे बालाजी वाले भैया, बालाजी वाले भैया हाय तो कर दो, हाय छोटू भैया, हाय गाइस, देखो ये वीडियो शूट चल रहा है इनका, हिमांशी, ये देखो नेहा, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, भाई यहाँ तो सारी लाइट बंद पड़ी है, 3:30 बजने में 5 मिनट हो रहे हैं, पूरी लाइब्रेरी शांत पड़ी है, ये टेबल कहाँ गई यहाँ से, सोच रहे और कोई लाइट भी नहीं जल रही यहाँ पे, चल आ जाओ ऊपर चले, नीचे तो फिर भी लाइट है, ऊपर लाइट नहीं है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल की गर्मी हो रही, हम जल गए, भूल गए, इसलिए हम लाइब्रेरी में आ गए, लाइब्रेरी में सारा मेकअप उतर गया, मेकअप उतर गया, हम टैन भी हो गए थोड़े थोड़े, फिर बाद में डिटेन कर लेंगे, बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा, हम इसलिए लाइब्रेरी में आ गए क्योंकि लाइब्रेरी में एसी चल रहा है, और हाँ ये तो पता है कि पीछे सुनील आ गए इधर से, वो भाग भी गए, और ये तो बता कि नीचे क्या बताया गया, हाँ, नीचे हमें बोल रहे थे, अभी हम ऊपर आ रहे, तो उन्होंने बोला कि पहली बार अप्रैल में इस लोकेशन में, मतलब हमारी एमएटी यूनिवर्सिटी है पंचगांव ग्वालियर में, पहली बार अप्रैल में यहाँ पे 42 डिग्री टेम्परेचर गया है, और हम धूप में फोटो खिंचवा रहे हैं, ये हमारा क्रेज है, हम जहाँ फोटो खिंचवाने यहाँ बैठने यहाँ पे इसमें सुन रहे, तो अभी हम नीचे जाते हैं, वहाँ पे ही चल रहा है, बहुत चिल्ड, वहाँ जाते हैं एकदम चिल्ड चिल्ड हो जाते हैं, ठंडा ठंडा, उसके बाद नाच मिलते हैं, बाय, देखना इसका। गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं, और हिमांशी गुस्सा हो गई है, हिमांशी क्या हुआ तुझे, हिमांशी बहुत थक गई है, बता हिमांशी क्या हुआ, यार मैं मेरी यार बताओ हिमांशी क्या हुआ आपको, इन्होंने वीडियो बना, फोटो खींच, रील बनाई, सबसे ज्यादा वीडियो किसने बनाई है गाइस, मैंने नहीं बनाई, मैंने और बनी नहीं, बनी नहीं है, की नहीं है, ये देखो अभी भी लगी हुई है ये लड़की, देखो कैंपस में कोई नहीं है, पूरे कैंपस में कोई भी नहीं है, हमें ठंडा पानी पीना, नेहा आपको कुछ, आप कुछ बोल रहे हैं आपको, हाँ, और मेरे ब्लॉग में ठंडा पानी पीने आ रहा हूँ, हो गई आपकी वीडियो, फोटोज कम्प्लीट, सब कुछ कम्प्लीट हो गया, हम जा रहे हैं हॉस्टल में, ठीक है, अब हम आपसे खाना खाने का, और हमने हिमांशु को गुस्सा कर दिया है, गुस्सा नहीं कर दिया, हिमांशु को परेशान कर दिया, वो गुस्सा हो गई थोड़ी सी, कितनी सी, कितनी सी, कितनी सी, चलो बंद कर दो हम, सो गाइस नेहा ना कुछ, नेहा कुछ मेरी तारीफ में बोलना चाहती है, नेहा जल्दी बोल, हिमांशी आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि गाइस ऐसे ऐसी लाइंस बोलती है ना, अच्छा खासा डीमोटिवेटेड इंसान मोटिवेट हो जाता है, और अच्छा मोटिवेटेड इंसान को डीमोटिवेट कर दे सकती है, तुम उसमें ये इनर टैलेंट है, कौन दिलाएगा मेरे को, आप नहीं जानते, और हम बहुत थक चुके हैं, बहुत ज्यादा हिमांशी ले लाएगी, बहुत बेहाल हो चुके हैं, और अभी मुझे अपनी वीडियो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इन इन करोड़पतियों को चीज दिलवानी, जम जा रहे डिपार्टमेंटल स्टोर चीज लेने, तो गाइस अभी मानसी सेठी करोड़पति, जो कि अब हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे, यूट्यूब की कमाई, ये भैया हम चौक, तो गाइस हम बाहर बहुत अंधेरा हो गया, पर टाइम ज्यादा नहीं हुआ, अच्छा मौसम हो रहा है, हाँ इसलिए हम थोड़ी देर बाहर बैठ गए हैं, यामिनी आप कुछ कहना चाहेंगे, मैं बहुत थक चुकी हूँ यार आज, यामिनी ने आज बहुत मेहनत करी है, उसने अपनी खिड़की साफ करवाई है, एक जगह
है ना, ये अच्छा था। मतलब मैं जो भी बोलती हूँ वो अच्छा ही होता है, पता नहीं मैं तो सच बोलती हूँ, आप लोगों को अच्छा क्यों लग जाता है। और गाइज अभी हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं, नहीं अब थोड़ी देर में बात नहीं करते, हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइज अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर, हम ये कहना चाह रहे थे उसने बोला नहीं, हम बोलते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे खाना ठीक है, I'll see you in my next one. Till then, bye. Good night. Take care. Bye bye. Bye bye. देर कुछ और बातें मत करो। Bye guys. Bye.